प्रोग्राम बहुत अच्छा मनोरंजन और कथा तो थान बेरो छई सारी रात से केवे रहे मारे अभी तक समझ या ना बैठी गया कथा के तो चाल रही से के कराबो चाल रही थी के बन रही से के भगवान ही जाने भाई। और या बात भी शायद मैं उस सरबंदा मुखाएगो तो थोड़ी देर पहले आके प्रद्युमन को जन्म मैं करवाऊंगा जन्म भाग दौड़ करवा दिया या भी कौन छोड़े मार ला एक तो तू चुप रहे जान रोज में बैठ जा नहीं चल बैठ जा तू तो मुंह लोटा खर बैठ जा। भक्तो कथा प्रसंग चलो कोई बात नहीं। अब राम सिंह जी भी दो रहेगा एक राम सिंह जी पीछा अष्टाधीर एक आगे अष्टाधीर में रहेगा बीच में। हाँ चलो कोई बात नहीं रुक्मणी की शादी हो ही गई प्रद्युमन का जन्म हो गया पर अभी थोड़ी देर पहले राम सिंह जी कह रहे हो भाई संभा सुरजार भगवान विष्णु की भक्ति करी या साहब कोई देख लीजिए एक भगवान विष्णु की भक्ति संभासुर करी इतने दानव हुए हैं पृथ्वी के ऊपर इतने मैं दानव हुए हैं इतने राक्षस हुए हैं कोई भी राक्षस को किसी ने विष्णु भगवान की भक्ति करती देखी है? भगवान विष्णु तो सिर्फ दानवों का नाश किया करता था या तो भक्ति करते थे भगवान शंकर की या करते थे ब्रह्मा की और उस राजा ने जाकर के भक्ति शंकर भगवान की थी और सारी रात बीत गई कि मैं यह भी समझ में ना बैठ रहे हो कि वो संभासुर राजा था तो वो किस नगरी का था। थोड़ी देर पहले राम सिंह जी बता रहे थे अमरावतीपुरी नगरी अमरावतीपुरी तो राजा इंद्र की नगरी थी अमरावतीपुरी तो राजा इंद्र की नगरी थी सारी रात तो है रोकता रोकता पर करा की तो राजा संभासुर था उसका भी नगर का कुछ नाम होगा वो भी कहीं का राजा होगा और अगर राजा भी हो गया चलो शंकर की भक्ति की शंकर ने वरदान दे दिया विष्णु ने वरदान दे दिया कि तेरा प्रद्युमन के हाथ से वध होगा कृष्ण के पुत्र के हाथ से तो कृष्ण के पुत्र के हाथ से ही उसका वध क्यों होना था ये भी तो कोई कारण होगा। राजा महाराजा तो बहुत होते हैं अवतार भी बहुत होते हैं एक कामदेव जो इंसान सही तरीके से भक्ति करता है उसको भी जागृत कर देता है वो कामदेव तो कोमल है फिर कामदेव के हाथ से और संभासुर की मृत्यु क्यों इस बात को बता करके जाना कि प्रद्युमन के हाथ से ही संभासुर की मृत्यु क्यों थी ये किसने लिख दी और क्यों भगवान ने वरदान दे दिया इसका कारण क्या था। थोड़ी देर पहले जल्दबाजी में जन्म करा दिया उसमें ये भी आया था कि कृष्ण की द्वारकापुरी में कोई चक्कर कृष्ण को पैरों लागे तो कोई बड़ी ना सके सत्यभामा को रूप बना लियो उससे पहले सत्यभामा के साथ कृष्ण की शादी हुआ ही कौन है पहला प्रद्युमन का जन्म हुआ था और उसके बाद में समंतक मणि की कथा आती है जो सत्राजीत का भाई के गले में थी उसको सिंह खा जाता है जामुंत लेकर के गुफा में चला जाता है उसका दोषी कृष्ण हो जाता है कि कृष्ण चोर है कृष्ण मणि लाने के लिए गया था जामुंत से युद्ध किया था जामुंत ने हार मान करके फिर जामवंती के साथ कृष्ण की शादी हुई थी 27 दिन तक युद्ध चला था। बात अनेक है पर कोई बात नहीं प्रद्युमन का जन्म हो गया जन्म होने के पश्चात समरासुर को इस बातों की अंदाज हुआ समरासुर द्वारकापुरी में आया तो वो किस रूप में आया था सत्यभामा का तो कोई लेना देना नहीं था और सत्यभामा का अगर कुछ लेना देना भी था तो रात को सत्यभामा निकल करके नगरी से बाहर क्यों चली गई फिर आधी रात में क्यों आई इसका भी तो कोई कारण होगा। अरे कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन को जन्मे जब 7 रात हो जाती है सातवीं रात के अंदर समरासुर ने उसका हरण किया था और उसे ले जाकर के समुद्र में डाल दिया जिस प्रकार से और जिस मछली के पेट में जो प्रद्युमन गया वो मछली भी कोई होगी कोई साधारण मछली तो नहीं हो सकती जैसे कि राजा कमलनयन और मछोदरी सत्यवती जो मछली के गर्भ में प्रवेश कर गई थी वो कोई साधारण मछली नहीं थी वो मछली कोई साधारण नहीं थी वो तो शराब से पड़ी हुई तो वो भी मछली कोई ना कोई शराब होगा वो भी कोई मछली होगी जो एक लड़के की माँ बन चुकी जिसका पिता भगवान कृष्ण जिसकी माता रुक्मणी जो लक्ष्मी की अवतार और उसके गर्भ में प्रद्युमन कैसे चला गया वो भी कोई वादा होगा किसी का कोल करार होगा इसको भी बता करके जाना।
और सब प्रद्युमन का जन्म हो गया, लेकर के समरासुर की नगरी में चला गया। मायावती उसका पालन पोषण कर रही थी, पालन पोषण करते करते बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। ब्रह्मा पुत्र नारद आ जाता है। एक दिन प्रद्युमन जवान अवस्था में हो जाता है। जवान अवस्था में होने के पश्चात मायावती के सामने खड़ा होता है, उसी को माँ समझता है और माँ का शब्द सुन करके मायावती शर्मा जाती है। अब ब्रह्मा पुत्र नारद आएगा और ब्रह्मा पुत्र नारद आता है, प्रद्युमन को सारा भेद बताता है। तब एक खड़ा होकर के प्रद्युमन बड़ा दुखी हो जाता है और एक समरासुर के बारे में पूछता है और एक मायावती से हाथ जोड़ करके अपना परिचय पूछता है कि मैं कौन हूँ, किसका पुत्र हूँ। तो किस प्रकार से पूछ रहा था, किस प्रकार से मायावती परिचय दे रही थी।